So good morning students, welcome to our online classes. I am Pooja Sharma, your science teacher, and today we will discuss chapter number 9. Chapter name is adaptations in animals. So here, what is the meaning of adaptation? Adaptation refer to the changes in physical and behavior characteristic of an organism that help them to survive in the changing environment. Okay, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस मीन्स उसकी फिजिकल चेंजेस या फिर उसके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं किसके रिगार्डिंग जिस भी एनवायरनमेंट में वो एनिमल रह रहा है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं या उसके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनिमल के, तो उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन. ओके, हिंदी में इसे कहते हैं अनुकूलन. मीन्स अपने आप को उस अपनी जो सराउंडिंग है या एनवायरनमेंट है उसमें रहने के लिए वो क्या बना लेते हैं, अपने उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं. ओके, अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट को. क्लियर? So in this chapter we will discuss about type of animals, adaptation in animals, and we will also discuss about endangered animals. So let's start. Different kind of animals are found in different parts of the earth. Some animals live in hot dry desert, some in cold mountains, and some in water. जो different different animals हैं वो earth के different different parts में रहते हैं ना. कुछ animals desert area में रहते हैं, कुछ animals जो हैं वो cold mountain जो area है वहाँ रहते हैं, and some animal live in water. कुछ जो aquatic animals हैं वो कहाँ रहते हैं, water में. So the home or natural environment in which an animal lives is called its habitat. तो जो animal जहाँ रहता है, जो भी उसका natural environment है या उस जो उस animal का home है, okay, जहाँ पर वो naturally live करता है, रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, habitat कहते हैं. Now types of animals. Animals can be divided into two groups, invertebrates and vertebrates. जो भी जितने भी animals हैं उन्हें हमने two groups में divide किया है, invertebrates and vertebrates में. Okay? So अब हम discuss करेंगे what is invertebrate and vertebrate. So animals that do not have a backbone are called invertebrate. ऐसे animals जिसमें backbone नहीं होता है, backbones means उनमें bony skeletal present नहीं होता है. Okay? जब आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो कि बोन से बना हुआ एक सिस्टम होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है स्केलेटल सिस्टम. तो ऐसे एनिमल्स जिसमें जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं है या बोनी स्केलेटन नहीं है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स. ओके, एनिमल्स लाइक स्नेल्स एंड स्पाइडर, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. ओके, तो कौन कौन से एनिमल इस ग्रुप में इंक्लूड है, स्नेल, स्पाइडर, इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं. ओके, ऑल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. इस ग्रुप में उनको इंक्लूड किया गया है. बटरफ्लाई, कॉकरोच, एंट एंड बीटल आर इंसेक्ट्स. Earthworm and tapeworm are example of worms. Okay, तो insects के examples हैं, butterfly है, cockroach है, ant है, beetle है, ये सब क्या है, insect है. And worms के example हैं earthworm and tapeworm. तो जितने भी spiders हैं, insects हैं, worms हैं, उन सबको इस group में include किया गया. कौन से group में, invertebrate group में. Okay, and 97% of all animals are invertebrate. Okay, जितने भी animals हैं उसमें से 97% जो animals हैं वो क्या है, invertebrate group में आते हैं. Okay, ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है. ओके, जो हमारे एनिमल्स हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो उसमें से ये जो एक ग्रुप है दैट इज इनवर्टिब्रेट. ओके, नाउ लेट्स कम टू वर्टिब्रेट्स. एनिमल दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन है मींस स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ओके, एक बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं. एंड This group is further divided into fish, amphibian, reptiles, bird and mammals. और जो ये vertebrate group है इसे further again another groups में divide किया गया है, like fish, amphibian, reptile, birds and mammals. Okay? अब हम one by one इन सभी जो groups हैं इनके बारे में discuss करेंगे. Clear?
सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जो ग्रुप है इन वर्टिब्रेट्स का, दैट इज फिश. ओके, फिश ग्रुप में किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, क्या उनके अडेप्टेशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. सो फिश लिव इन वाटर. फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है. आप सबको पता है दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दे हैव फिन्स विच हेल्प देम टू स्विम. और फिश की बॉडी पर फिन्स एंड जो टेल है ये फिश को स्विमिंग में हेल्प करती है. एग्जाम्पल ऑफ फिश आर कोड, शार्क एंड सालमन. ये फिश के एग्जाम्पल्स हैं. तो फिश जो हैं वर्टिब्रे होते हैं, मीन्स उनमें बैकबोन प्रेजेंट होता है. वो वाटर में रहते हैं एंड जो वाटर में रहने वाले फिश ग्रुप के एनिमल्स हैं वो किसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं? गिल्स के थ्रू अपना ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं. ओके, एंड स्विम किसकी हेल्प से करते हैं? फिन एंड टेल की हेल्प से वो स्विम करते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज एम्फीबियन. एम्फीबियन ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. जो एम्फीबियन ग्रुप के एनिमल्स हैं वो दोनों जगह रह सकते हैं. वो वाटर में भी रह सकते हैं एंड लैंड पर भी रह सकते हैं. ओके, they breathe through lungs on land and moist skin in water. और उनका ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है? जब वो लैंड पर रहते हैं तब वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एंड जब वो पानी में रहते हैं वाटर में देन अपनी जो मॉइस्ट स्किन है, मीन्स उनकी जो नमी वाली स्किन है उससे वो ब्रीदिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग, टोड एंड सालमेंडर्स. ओके, ये सब एम्फीबियन ग्रुप के एनिमल्स हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स. Reptiles have dry and scaly skin. जो reptiles हैं उनका skin कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा dry and उन पर क्या present होते हैं? Scale present होते हैं. Okay? Scale means क्या होता है? जो उनकी skin है वो एक दूसरे के ऊपर folded रहती है. Okay? तो इस तरह इनकी body पर ये scale बन जाता है. Scale जैसा इनका जो skin है. They reproduce by laying eggs. And अपना ये reproduction process कैसे करते हैं? By laying eggs. Examples of reptiles are snake, lizard and crocodile. And reptile जो group है उसके जो animals हैं वो हैं snake, lizard and crocodile. Snakes do not have legs. They have scale to crawl along the ground. और जो snakes हैं उनकी legs नहीं होती हैं. Okay? तो वो कैसे अपना movement करते हैं? Crawling करते हुए, रेंगते हुए. Okay? तो अपने scale की help से वो ground में क्या करते हैं? Crawling करते हैं, रेंगते हैं. Fish, amphibians and reptiles are cold-blooded animals. अब हमने vertebrate के अभी तक कितने group discuss किए हैं? 3 group हम discuss कर चुके हैं vertebrate में. That is fish, amphibians and reptiles. And जो ये तीनों groups हैं, ये कैसे animals हैं? Cold-blooded animals हैं. अब cold-blooded animals का means क्या होता है? The temperature of their body changes with the change in temperature of the surrounding. Means उनके जो body का temperature है, वो उनकी surrounding या जो उनका आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे ही उसके टेम्परेचर में चेंज होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. ओके, क्लियर? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमने अभी तक इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट के बारे में डिस्कस किया था. वर्टिब्रेट में हमने 3 ग्रुप डिस्कस किए हैं, फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स. एंड इन तीनों ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. मीन्स उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उनकी सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. ओके, अगर उनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. उनकी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उन एनिमल्स की जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट ग्रुप है जो हम वर्टिब्रे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बर्ड्स. ओके, बर्ड्स हैव बॉडीज कवर्ड विद फीदर्स. जो बर्ड की बॉडीज हैं वो किससे कवर्ड रहती हैं? फीदर से, पंख से कवर रहती हैं. मोस्ट बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. और मोस्टली बर्ड अपने विंग्स की हेल्प से, पंख की मदद से फ्लाई करते हैं. Their boat-shaped body, hollow bones and light body help them to fly. और उनका जो boat-shaped body है, जो उनकी body का shape है, वो boat-like होता है. Okay? And जो उनकी bones हैं, वो क्या होती हैं? Inside से hollow होती हैं, खोखली होती हैं. Okay? जिससे उनकी body बहुत ही lightweight हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिससे वो easily fly कर पाते हैं. Examples of birds are pigeon, sparrow, crow and parrot. These are examples of birds.
Some birds like ostrich, penguin and kiwi cannot fly due to their heavy body. So they are called flightless bird. Okay, birds में भी कुछ exceptions हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे animals हैं जिनका जो body weight है वो बहुत ज़्यादा होता है, heavy body होती है, like ostrich, penguin and kiwi. इसलिए वो fly नहीं कर पाते. Okay, so ऐसे birds को हम क्या कहते हैं? Flightless bird. Next group is mammals. Mammals are the animals that give birth to young ones. Mammals ऐसे animals हैं जो कि young ones को, अपने babies को birth देते हैं. The mother feed their young ones with their own milk. And जो mother है वो अपने young ones को अपने milk पर क्या करवाती है? Feed करवाती है. Okay, वो जो उनके babies हैं वो अपनी mother का milk feed करते हैं. They have hair all over their body. और उनकी पूरी बॉडी पर क्या होते हैं? Hairs होते हैं, बाल होते हैं. They have four limbs and external ears. And जो mammals हैं उनके कितने limbs होते हैं? Four limbs. Limb means arms and legs. Okay? तो जो two आपकी arms हैं, that is your four limbs कहते हैं, उन्हें हम apoary four limbs. And जो back side है means आपकी जो legs हैं उन्हें हम hind limbs कहते हैं. Okay? तो इस तरह जो mammals हैं उनमें four limbs present होते हैं. And उनमें क्या present होते हैं? External ear. Ear भी present होते हैं. They breathe through lungs. And breathing process किसके through होता है? Lungs के through. Examples of mammals are human beings, cow, goat, elephant, lion, zebra and kangaroo. These are examples of mammals. Whale and dolphin are also mammals. Whale and dolphin भी क्या है? Mammals हैं. And whale and dolphin frequently come out of water to breathe in airs. Okay? तो जो whale and dolphin हैं ये breathing के लिए क्या करते हैं? Frequently means थोड़ी थोड़ी देर में पानी से बाहर आते रहते हैं. Okay? Birds and mammals are warm-blooded animals. अब हमने जो फाइव ग्रुप डिस्कस किए थे उसमें से फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस थे, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. एंड जो बर्ड एंड मैमल्स हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. मीन्स दे हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. मीन्स उन इन एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है. ओके, कॉन्स्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है. मीन्स टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ साथ उसमें इंक्रीज या डिक्रीज वो उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नहीं होता है. यस, नाउ वी विल डिस्कस अडेप्टेशन इन एनिमल्स. ओके, ये हमारा चैप्टर नेम भी है, हम अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं एनिमल्स में. ओके, देन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? अडेप्टेशन की वो किस किस बेसिस पे अपनी बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट थिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. Like plants, animals have also developed some body feature which help them to survive in their surrounding. Okay, हमने adaptation animals में भी discuss किया था. So animals की तरह है, sorry, plants में discuss किया था. So plants की तरह ही animals भी अपनी body feature में कुछ इस तरह के development कर लेते हैं, कुछ changes कर लेते हैं जिससे वो अपने surrounding में easily survive कर पाते हैं. The body feature that help animal to survive in their environment are called adaptations. Okay, और जो उनके features में, उनके body में physical changes होना या उनके behavior में जो changes होते हैं environment के according, जो उनको survive करने में, जिंदा रहने में help करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? Adaptation कहते हैं. Animals that are able to adapt themselves in their environment survive. Okay, तो जो animals हैं वो अपने आप को adapt कर लेते हैं, means अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि वो अपने environment में survive कर सके. Animals then cannot adapt themselves die, for example dinosaurs. तो जो animals अपने surrounding के environment के according अपने आप को change कर लेते हैं, adapt कर लेते हैं अपने आप को उस environment के according, उन्हें हम कहते हैं वो animal तो क्या है? Survive कर जाते हैं. Okay, and जो animals अपने surrounding के according अपने आप को adapt नहीं कर पाते, अपनी body में वैसे changes नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है? वो animal die हो जाते हैं, मर जाते हैं. For example dinosaur. Now first adaptation है environment के according. Okay, तो adaptation to environment. Based on their habitats, animal can be categorized as terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal and aerial. Okay, so अपने habitat के according कि कैसे environment में, कैसे habitat में वो रह रहे हैं, उसके according हमने animals को कुछ different category में, कुछ group में divide किया है. That is terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal and aerial. Okay,
तो फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. दे हैव लेग्स टू मूव एंड लंग्स टू ब्रीथ. उनमें मूव करने के लिए लेग्स प्रेजेंट होती हैं एंड ब्रीदिंग के लिए लंग्स के थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. On the land, conditions vary from place to place. It is very hot in desert and cold in polar region. And जो land है या जमीन है उस पर भी जो environmental condition है वो एक place से दूसरे place में vary करती है, means different होती हैं. Okay, place to place जो environmental condition है वो भी क्या होते हैं, different होती हैं. Desert area में environment कैसा होता है, very hot, बहुत ज़्यादा गर्म होता है वहाँ का. एंड पोलर रीजन या जो स्नोई एरिया है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या वेदर है वो कैसा होता है, बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट होता है वहाँ का. अ कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट. जो एक कैमल है वो कहाँ रहता है, रेगिस्तान में, डेजर्ट में रहता है. इट हैज थिक स्किन विद वेरी लिटिल हेयर ऑन द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. और इसकी जो स्किन है ये बहुत ही थिक होती है. ओके, एंड उसकी बॉडी पर बहुत ही कम हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि इससे सन की हीट से, जो थिक स्किन है वो इसे सन की हीट से प्रोटेक्ट करती है. इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. और ये बहुत दिनों तक बिना वाटर के इजीली सर्वाइव कर सकता है. बट वैन अवेलेबल इट कैन ड्रिंक ओवर 200 लीटर्स ऑफ वाटर एट वन टाइम. बट जब इसे पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए वाटर अवेलेबल होता है तो ये वन टाइम में, मीन्स एक बार में 200 लीटर तक जो वाटर है वो ड्रिंक कर सकता है. इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल टू कीप द सैंड आउट ड्यूरिंग अ सैंड स्टॉर्म. और जब ये रेगिस्तान में रहता है तो आपने देखा होगा रेगिस्तान में सैंड स्टॉर्म भी आते हैं ना, रेत की जो आंधी होती है जिसे हम बोलते हैं. तो जब सैंड स्टॉर्म आता है, आंधी आती है, तो ये क्या करता है, अपने जो नॉस्ट्रिल हैं, नोस्ट्रिल क्या होते हैं, आपकी नोज के जो टू होल्स होते हैं उन्हें हम नोस्ट्रिल कहते हैं. ओके, तो ये अपने नोस्ट्रिल को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है जब भी सैंड स्ट्रॉम आता है, ताकि जो सैंड है वो इसके नोज में एंटर नहीं कर पाए. इट हैज ब्रॉड एंड पैडेड फीट टू वॉक ऑन सैंड इजिली. और इसके जो फीट हैं ये बहुत ही ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं एंड पैडेड होते हैं, मीन्स जैसे पैड होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लशी होता है ना, फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है उसका, एकदम जिसे हम बोल सकते हैं गद्दे जैसा स्ट्रक्चर उसे होता है उसका, है ना, सॉफ्ट. तो इस तरह का जो इसका फीट है वो भी बहुत ही ब्रॉड एंड पैडेड स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि ये सैंड पर भी इजीली वॉक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ पोलर बियर लिव्स इन पोलर रीजन. इसी तरह जो पोलर बियर है वो कहां रहता है, पोलर रीजन में, स्नोई एरिया में. इट हैज थिक फर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. इसकी बॉडी पर क्या होते हैं, फर होते हैं. ओके, बहुत ही ज्यादा मोटा, इस तरह से एक फर जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक इसने देखिए एक फर का पूरा कोट पहन रखा है, ठीक है, जो कि इसे वहां की जो एक्सट्रीम कोल्डनेस है, ठंड है वहां की, ओके, पोलर रीजन की, उससे प्रोटेक्ट करता है इसे. पेंगुइन्स एंड सील्स हैव आल्सो अडैप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस. इस तरह जो पेंगुइन्स हैं या सील्स हैं वो भी, उनकी भी बॉडी उन एक्सट्रीमली जो कोल्ड कंडीशन है उसमें इजीली सर्वाइव कर सकते हैं ये. दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन विच कीप दैम वॉर्म. और इनकी जो बॉडी है उसके नीचे की तरफ जो स्किन है, ठीक है, उस पर एक फैट का बहुत ही थिक मोटा लेयर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं. ओके, जो कि उन्हें वॉर्म रहने में, गर्म रहने में हेल्प करता है. Now, a yak live in cold mountain. एक जो याक है वो भी कहाँ लिव करता है, माउंटेनी एरिया में लिव करता है. इट हैज लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी. और इन पर भी जो लॉन्ग हेयर है वो प्रेजेंट रहते हैं इनकी बॉडी पे. ओके, so animals like bears and frogs sleep for several months to protect themselves from the cold. Such winter sleep is called hibernation. Okay, तो बहुत सारे जो animals हैं, like bears हैं, frog हैं, वो बहुत महीनों के लिए क्या करते हैं, अपने आप को cold से protect करने के लिए sleep करते हैं. Okay, rest करते हैं. तो इस तरह का जो विंटर स्लीप है उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन. ड्यूरिंग हाइबरनेशन एनिमल सर्वाइव ऑन द एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी. और इस हाइबरनेशन पीरियड में उनकी बॉडी को फूड का नीड तो तब भी रहता है ना, तो उनकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट स्टोर रहता है उसे वो एज अ फूड यूज करते हुए क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं.
Some animals like land snail and salamander go for a long sleep during summer months. This is called estivation. Okay. कुछ animals हैं like snail and salamanders हैं वो भी long sleep के लिए जाते हैं but during the summer month गर्मियों में. Okay. So उनका जो sleep है उसे हम estivation कहते हैं. Now aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. जो animals water में रहते हैं उसे हम aquatic animal कहते हैं. Fish, octopus, turtle and crab are aquatic animals. They have gills for breathing in water. They have fins or paddle-like feet to swim in water. तो वो gills की help से पानी में easily क्या करते हैं breathing कर लेते हैं. okay. और उनमें क्या present होते हैं fish में हमने discuss किया था कि fin present होते हैं. okay. and another जो animal है उनका जो feet का structure है उस वो इस तरह का देखिए frog में आपको दिखाई दे रहा है toad में. okay. इस तरह से इनका जो feet का structure है ये पैडल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है. या फिर जो डक्स हैं उनका आपने देखा होगा वेब्ड फीट होते हैं. ओके. तो इससे वो इजीली वाटर में क्या कर सकते हैं स्विम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग टोड एंड सालमेंडर हैव सर्टेन फीचर दैट हेल्प देम टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. उनकी बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसकी वजह से वो लैंड पर और वाटर में दोनों जगह इजिली सर्वाइव कर सकते हैं. Frogs and toads have strong back legs to jump on land. They have webbed feet to swim in water. And जो frog की ये back legs होती हैं ठीक है पीछे वाली जो legs होती हैं ये बहुत ही strong होती हैं ठीक है जिससे जिसकी वजह से वो easily क्या कर सकते हैं jump कर सकते हैं. okay. And इनके feet हैं जो webbed feet होते हैं web जैसी एक जाल जैसा structure होता है जिसकी वजह से वो easily water में swim कर सकते हैं. Now next one is arboreal animals. Arboreal animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. Arboreal animals क्या होते हैं ऐसे animals जो अपना ज्यादातर time trees पर spend करते हैं. They have strong muscular limbs and sharp claws to climb tree. और उनके जो limbs हैं main से जो four limbs हैं आगे वाले and back limbs ये बहुत ही ज्यादा strong होते हैं. okay. and उनके जो claw है जो नाखून आगे आप देख रहे हैं ये पंजा जिसे आप कह सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं क्लॉज इनके जिसकी वजह से वो ट्रीज पर इजीली क्लाइंब कर सकते हैं. दे ऑल्सो यूज देयर टेल्स फॉर होल्डिंग ब्रांचेस. मंकी ओरैंगुटान एंड कोला बियर आर एग्जाम्पल ऑफ अबोरियल एनिमल्स. ओके. एंड जो इनकी टेल है उसको भी वो ब्रांचेस होल्ड करने में उसकी हेल्प ले सकते हैं. एंड कुछ एनिमल्स हैं लाइक मंकी ओरैंगुटान कोला बियर ये कौन से एनिमल्स हैं अबोरियल एनिमल्स. Next one is aerial animals. Animals that spend most of their time in the air are called aerial animals. Okay. ऐसे animals जो अपना ज्यादातर time कहाँ spend करते हैं air में हवा में रहते हैं उन्हें हम aerial animals कहते हैं. They have a pair of limbs modified as wings which help them to fly. और इस देखिए जो birds के जो four limb थे means आगे वाले जो limbs थे वो किस में convert modify होकर wings में convert हो गए वो के जो कि उन्हें में fly करने में help करते हैं. They have hollow bones which make their bodies light. और इनकी जो bones हैं वो hollow होती हैं means अंदर से खोखली होती हैं जिसकी वजह से ये easily fly कर पाते हैं उड़ पाते हैं. Their boat-shaped body can cut through the air easily. Air birds, except flightless birds and bats, are aerial animals. Okay. So, जो इनका boat shape, ये इस तरह का body का shape है, ये air को easily cut करते हुए fly कर सकते हैं. And flightless birds के अलावा जितने भी all birds हैं and bats हैं, वो aerial animals में हम उन्हें count करते हैं. And bat is the only mammals that can fly. Okay. Bat को हम बैट मैमल है जो कि क्या कर सकता है फ्लाई कर सकता है इसलिए इसे एरियल जो एनिमल्स हैं उनमें हम काउंट करते हैं. ओके. नाउ लेट्स रिकॉल. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड. ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स. Fish have fins to swim in water. Water में swim करने के लिए fish के पास में क्या होते हैं fins होते हैं. A toad is an amphibian. Okay, toad क्या है amphibian है. And
birds mammals produced by giving birth to babies. जो mammals हैं वो reproduction जो अपना है वो कैसे करते हैं, babies को birth देकर. Okay, and birds have hollow bones which make their bodies light. And birds में क्या होती हैं, hollow bones होती हैं जो कि उनकी body को light बनाती हैं, जिससे वो easily क्या कर सकते हैं, fly कर सकते हैं.